मी नामदेव कांबळे जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहता जेएमए न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. 5 वर्षाच्या मुलाचे अपहरण, माणखुर्द येथील महिलेस अटक. कोरोना नियम भंग प्रकरणी किरीट सोमय्या यांना नोटीस. कोरोना राज्यात आज 40 बाधित रुग्णांचा मृत्यू, 6000 रुग्ण बरे झाले. राज्यात 19 तारखेपासून पावसाची शक्यता, हवामान खात्याकडून अलर्ट जारी. शाळेच्या बसला भीषण अपघात, 2 विद्यार्थ्यांचा मृत, 40 जण जखमी. बातमी आहे संदेश नगर बैल बाजारातून. जय बजरंग सेवा संघ द्वारा आज संदेश नगर सारख्या स्लम विभागात महिला व बाल कल्याण आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिरात आरोग्य तपासणी तसेच बाल आरोग्य तपासणी व मुक्त सप्लिमेंट देण्यात आले. ही सेवा RSS बाल कल्याण समिती द्वारा प्रदान करण्यात आली. आमचे प्रतिनिधी राजहंस मोरे यांचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट, चला तर पाहूया. नमस्कार, मैं राजहंस मोरिया और आप देख रहे हैं जेएमए न्यूज़. और इसी के साथ आज हम आप पहुँचे हैं बैल बाजार के संदेश नगर इलाके में. जय बजरंग सेवा संघ संदेश नगर सा राजा, और इस वक्त मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर यहाँ के जो सेवा संघ के अध्यक्ष हैं गुड्डू कनुजिया जी, जिनके द्वारा आज एक अच्छे प्रयास से उन्होंने जो आज एक कार्य किया है, जिनके द्वारा मतलब एक RSS जन कल्याण समिति मोबाइल डिस्पेंसरी जो लोगों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य करने का उनका जो आज का एक योग काम जो इन्होंने किया, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा गुड्डू कनुजिया जी से कि आज आपने एक कार्य को कर लोगों के लिए मतलब किस तरीके से जो उत्सुकता इनको मिली है, और उसके साथ साथ जो है लोगों के बारे में जो इतना इनका ध्यान है, यहाँ के लोगों के प्रति जो सक्रिय ये रहते हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा. गुड्डू कनुजिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जो ये मोबाइल डिस्पेंसरी जो आज यहाँ पर आपने बुलाकर इसकी जो मतलब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सेवा का जो प्रदान किया है, किस तरीके से और किस प्रयास से आपके माध्यम से यह पहुँचा यहाँ तक? मेरा नाम गुड्डू कनौजिया है, नमस्ते जनता को करता हूँ. हाँ, ये इसीलिए था कि अपने झोपड़पट्टी में इसकी सुविधा नहीं थी करके इनको मैं बुला के यहाँ पे अपने मंडल में सहकार्य किए करने की मतलब मुझे आवश्यकता थी करके मैं इनको बुला के ये सब सेवा चालू किया हूँ. तो और भी माता बहनी अपने हैं जो भी, उनको ये सब सेवा मिल रही है, बेचारे खुश है. और ये 6 महीने से चालू था तो आज इसकी ओपनिंग हो चुकी है, तो अपने मंडल के तरफ से ही ओपनिंग किया हुआ है. मैं यहाँ की महिलाओं के पास भी आता हूँ, पर मैं इसकी जानकारी यहाँ के जो एक सेवा मतलब RSS जनकल्याण के जो जो इसको मतलब पूरी तरह सेवा प्रदान करते हैं, मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ. सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ ये RSS जनकल्याण समिति के विषय में, जो ये आप मतलब जो मेडिसन्स वगैरह जो प्रदान करते हैं यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो लोगों को, मतलब किस तरीके से आप मतलब प्रोवाइड कराते हैं, कैसे कैसे लोगों को जानकारी देते हैं, मैं जानना चाहता हूँ. सर, ये RSS जनकल्याण समिति इसका जो बस्ती परिवर्तन योजना करके प्रकल्प चल रहा है, माता बाल आरोग्य एवं आहार, यानी एक तो प्रेग्नेंट महिला जी, उसके बाद 0 से 6 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे और उनकी माताएं, ऐसा एक 50 जन का ग्रुप किया हुआ है. और इनको पिछले 4 महीने से रोज के रोज पोषक आहार दिया जाता है. अभी पोषक आहार देने के लिए एक महिला हमने निश्चित की हुई है, वो महिला रोज़ 3 घंटा इन लोगों के बीच में वो पोषक आहार बांटने का काम करती है. चना, सिंगदाना, खजूर, चिक्की, राजगिरा चिक्की, इस प्रकार से वो बच्चों को खिलाया जाता है. अभी ये 4 महीने से बच्चों को खिलाया जा रहा है. अभी हमारी जो मोबाइल वैन है, जिसको मराठी में कहते हैं फिरता दवाखाना, ये बस्तियों में आएगी, हर बस्ती में जाएगी. और ये जो 50 लोगों का ग्रुप है, इनका हर महीने में एक बार चेकिंग करेंगे कि इनका वजन कितना बढ़ रहा है, इनका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, इनको कुछ तकलीफ़ है क्या. अगर कुछ तकलीफ़ है तो उनको दवा देगी, और इस प्रकार से ये काम चालू है. अब तक मतलब महाराष्ट्र के अंदर कितने इलाके में आपकी जो सेवा प्रदान की गई है? ये प्रकल्प केवल मुंबई में चालू है. अच्छा, मुंबई में 50 बस्तियों का लक्ष्य है, उसमें से 46 बस्तियों में हमारी वैन अभी घूम रही है.
अभी तक 46 जगह पर मतलब इनका जो वैन है इन्होंने मतलब लोगों को जो है घूम घूम कर वहाँ पर जागरूक कर कर और उन्हें जो सही जानकारी भी दी और दवाई और उसके साथ साथ जो आरोग्य आहार जो न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है वो भी सही तरीके से उन्हें प्रोवाइड कराया गया है। अब मैं यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। मैम आपके इलाके में आज यहाँ पर आरएसएस जन कल्याण समिति का जो ये रखा गया है ये तो यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं आपने जानकारी दी है अभी तक कितने लोगों को मतलब कितने बच्चे लोगों को इस विषय में मतलब डॉक्टर को दिखाया गया आपके माध्यम से? अब मेरे माध्यम से तो देखो मैं तो सुबह से नहीं थी यहाँ पर, जब गुड्डू साहब का मुझे फ़ोन आया कि मैडम आपको यहाँ पर आना है, एक मैंने कोई सुविधा की है तो उस तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं न्यू अम्रपाली महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मैं शिंगरेवाड़ी में रहती हूँ और मेरा महिला बचत गट है, तो उस हिसाब से मैं इनके साथ हमेशा रहती हूँ, इनको सहकार्य करते रहती हूँ, उनके जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जो भी कुछ होता है मैं उसमें सहभागी रहती हूँ। और भी जो देखिए ऐसा होता है कि एक ग्रामीण इलाके में अगर कहीं ना कहीं देखे तो सेवा जो दी जाती है लोगों को उसके अंदर एक सबसे अहम भूमिका होती है जो महिलाओं को मतलब सही जानकारी दे, महिलाओं के घर में जा जाकर बताए और वही जो बताने का कार्य सबसे बड़ा कार्य जो है यहाँ पर चेतना जी हमारे साथ हैं। चेतना जी आपने यहाँ पर जा जाकर सबको जानकारी दी और उसके बाद लोगों को यहाँ पर इकट्ठा भी किया और ये जो इसका लाभ मिलने वाला है उसकी भी जानकारी आपने लोगों को दी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब तक कितने लोगों के पास आप जाकर मतलब इसकी जानकारी देकर कितने लोग आपके यहाँ माध्यम से यहाँ पहुँचे? हमारे से 52 लोग हमारे पास है अभी, तो उसमें अलग अलग तरह के हैं, छोटे बच्चे की तरफ से है, एक साल के अंदर के बच्चे हैं, जो माता बच्चे को दूध पिलाती है वो है, प्रेग्नेंट लेडी है जिनके अभी अभी डिलीवरी हुई है तो उनको जो पोषक आहार दिया जाता है हमारी जनकल्याण समिति से दिया जाता है, रोज़ अलग अलग चिक्की लड्डू खजूर वगैरह उनको पोषक आहार की तरफ से दिया जाता है। अच्छा तो मैं क्या कहता हूँ जैसे आज ये जो वैन है मोबाइल डिस्पेंसरी आपका ये आज इस इलाके में है उसके बाद दूसरे इलाके में जाएगा तो उसके बाद जो है ये प्रोसेस किस तरीके से आपका चलता रहेगा खाली ये बताइए। हर महीने हमारी एक वैन आएगी एक टाइम पे और उनका चेकअप हेल्थ चेकअप करेगी, पहले कितना वज़न था अभी कितना बढ़ गया है वज़न वो चेकअप होगा, हाइट के बारे में और कोई बच्चा को बीमार रहता है तो उस किस वजह से बीमार रहता है, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, कोई को लैटिन का प्रॉब्लम रहता है तो वो सब दवाई वगैरह सब डॉक्टर लिख के देंगे यहाँ से देंगे उनको। बच्चों की पूरी जो भी मतलब अगर देखा जाए तो पूरी न्यूट्रिशंस के बारे में पूरी जानकारी और दवाई तक को भी मतलब पूरी तरीके से प्रोवाइड कराकर सही तरीके से उसे मतलब चलाना उसके बाद जो है हर मंथली या चेकअप कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य। मैं डॉक्टर से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। ये डिस्पेंसरी वैन है और यहीं पर जो है चेकअप होता है और हमारे साथ इस वक्त एक डॉक्टर भी हैं जो उपस्थित है जो मैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब किस तरीके से इसका पूरा जो भी कार्य है वो किया जाता है। मैम सबसे पहले आपका नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ जो बच्चों के विषय में जो बच्चों को न्यूट्रिशन दिए जाते हैं उसकी कुछ जानकारियाँ मुझे आप दीजिए। यहाँ पर हम लोग औरतों का और बच्चों का चेकअप करते हैं जो 6 साल के अंदर है, औरतों का चेकअप करें उसमें कोई डेफिशिएंसी है आयरन की विटामिन की कुछ डेफिशिएंसी है तो वो हम लोग उसको समझाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है और उनको मेडिसिन देते हैं उसके हिसाब से। बच्चों को भी वैसे ही कुछ वर्मीसाइड्स वगैरह देना है उनको, कीड़े का दवाई वगैरह वो सब देते हैं हम लोग यहाँ पे और उनको न्यूट्रिशनल विटामिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, विटामिन प्रोटीन पाउडर ज़रूरत के अनुसार उनके वेट के हिसाब से और हर रोज़ हर महीने में हम लोग उनका वेट वगैरह चेक करते हैं, वेट हाइट वगैरह सब चेक करते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, अगर उसमें कुछ कम लग रहा है तो उनको न्यूट्रिशियस और देते सप्लीमेंट। बच्चे को न्यूट्रिशंस के बारे में तो मतलब जो है कहीं ना कहीं जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है कुपोषित के चक्कर में आज कहीं ना कहीं बच्चे बीमार भी हो जाते हैं और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ जो ये जो पूरी प्रक्रिया है जो चल रही है ये मंथली चलेगी या डेली बेस पर भी इसका काम होता रहेगा? नहीं, डेली बेस पे उनके यहाँ पे जो आरोग्य एक आरोग्य सेविका है वो इनका सब देखती है और उनको हमारा रिपोर्ट करती है वो और हर महीने में उनका हेल्थ चेकअप होगा, हर महीने में एक बार यहाँ पे आएंगे और उनका चेकअप होगा पूरा। हर महीने में चेकअप होगा और एक मतलब जो कहा गया है कि आरोग्य जो मतलब एक
होता है उसके माध्यम से जो है सेविका जो होती है वो पूरी जानकारी इनको देते रहेगी और मंथली टू मंथली महीना टू महीना पूरी जानकारी के बाद जो है बच्चों के न्यूट्रिशन के विषय में हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद उनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी। तो जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहिबा ने भी हमें पूरी जानकारी दी इसके विषय में और मैं अब जानना चाहता हूँ यहाँ की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और इन्होंने मतलब दवाई ली है और डॉक्टर के माध्यम से जो इनको क्या जानकारी दी गई है कि कैसा लग रहा है इनको जब ये इनके इलाके में इस तरीके से अगर ये मोबाइल डिस्पेंसरी का जो सेवा प्रदान किया गया है। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा राकेश गायकवाड़। ये मंडल हमेशा शिविर रखते हैं, सब कैंप रखते हैं, हम लोग को उससे खुशी मिलती है। हम लोग का सब फ्री में हो जाता है, सब चेकअप डॉक्टर लोग अच्छा दवाई देते हैं, सब अच्छे से होता है। आपका क्या कहना इसके विषय में, आप क्या कहती है आज आपके इस इलाके में जो है मोबाइल डिस्पेंसरी लाया गया है गुड्डू कन्हैया की तरफ से, तो क्या कहना चाहती हैं आज आप? बहुत अच्छा है। तो मैं तो ना ये दवाई लिए बच्चे के लिए? हाँ देते हैं, वो हमेशा भी आती है, चेकअप होता है इधर। अच्छा। और ब्लड चेकअप भी होता है, कभी शिविर होता है चश्मे से बनाते वो, तो उसके लिए तो अच्छा रहता है, आनंद भी होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मतलब हर मंथली अगर हर इलाके में इस तरीके से अगर हर इलाके के लोग अगर इस तरह से मोबाइल डिस्पेंसरी का लाभ अगर हर इलाके में मिले तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की न्यूट्रिशंस को लेके जो समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। कैमरामैन शिवशंकर पाल के साथ मैं राजेंद्र मौर्या, जेएमए न्यूज़ बैलबाजार से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।